भगवान अंधलेव बात भागवत पे नहीं आई तुम तो लोग भी दिलाए नहीं आए ना चाहते हो Thank you.
पावन तीर्थ में तब्दील करने वाले माननीय विधायक जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और हमारे बीच जैसा कि मैंने पूर्व में ही बता चुका हूँ बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत हमीरपुर जितेंद्र मिश्रा जी भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने उद्घाटन किया अभी मैं उनको मंच पर आवाज दे रहा हूँ कि दो शब्द कहकर आशीर्वाद देने की कृपा करें। सम्मानीय श्री जितेंद्र मिश्रा धन्यवाद संचालक जी आज के मौत महोत्सव के मौके पर हमारे आपके बहुत ही सम्मानीय इस गरौठा विधानसभा ही नहीं समूचे बुंदेलखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले परमादरणीय श्री दीप नारायण सिंह यादव जी हमारे बड़े भाई जनपद जालौन उरई से सदर विधानसभा से विधायक रहे परमादरणीय श्री विनोद चतुर्वेदी जी और तमाम लोग मंच के दाहिनी ओर और सामने माताएं बहनें और मौत गरोठा झांसी जनपद के तमाम सम्मानित लोग बैठे हैं आप सबका वंदन अभिनंदन है। हमसे पूर्व हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा जैसा कि ये मेरे मुख के वो वचन है जो विधायक जी ने कहे ये मौत महोत्सव नहीं रह गया ये बुंदेलखंड महोत्सव हो गया। इसकी चर्चा मौत महोत्सव की हमारे हमीरपुर में भी है महोबा में भी है बांदा और चित्रकूट में भी है और मैं दीप नारायण जी के लिए सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा ये वो चराग है जो पूरे बुंदेलखंड के लिए रोशनी प्रदान करने वालों में से हमें गरौठा से वो ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जनपद हमीरपुर में प्रतिनिधित्व करते हैं इनके छोटे भाई जैसे हैं एक माँ की कोख से पैदा होने वाले ब्लड का रिलेशन वाले लोग ही सगे भाई नहीं होते हैं। अगर मन मिल जाए दिल मिल जाए विचार मिल जाए तो वो सगे भाई से भी बढ़कर हो जाते हैं। मैं दीप नारायण सिंह यादव जी का सम्मान हृदय से इसलिए भी करता हूँ ये गरौठा ही नहीं झांसी जनपद के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हर विधानसभा में एक ऐसा दीपक पैदा हो जो उन तमाम 1500 बेटियों की शादी करके सगे भाई जैसा रोल अदा करने का काम करे। वो तमाम माएं ऐसी जिनके लिए एक दीपक हर घर में पैदा हो जिनकी शान में चार चांद लगाने का काम करे। मैं ऐसे माता पिता को सर नमाकर नमन करता हूं जिन्होंने श्री दीप नारायण यादव जैसा पुत्र पैदा करने का काम किया। पंडित प्रेम भूषण महाराज जी आज कह भी रहे थे कि वो माता पिता धन्य हैं जिनके लिए ऐसे पुनीत कार्य किए जाते हैं और वो पुनीत कार्य जब हम पुण्य आत्माएं ऊपर परमात्मा के पास जाती हैं तो वहां पर भी उनका स्वागत होता है और नीचे तो आप वाकई में विख्यात ही हैं तो वो ये उन्हीं माता पिता के पुत्र हैं जो पूरे बुंदेलखंड समूचे बुंदेलखंड में अपने दीप से प्रकाशित कर रहे हैं प्रज्वलित कर रहे हैं। क्योंकि मैं बाधा नहीं बनना चाहूंगा मेरे अंतर हृदय से आत्मा से मेरा मन एक एक रोम रोम विधायक जी के लिए समर्पित है। मुझे मैं हृदय से पसंद करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं रात को 12 बजे भी अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक ऐसा नाम सिंगल एक नाम है कि हम लोग टेलीफोन करें और आधे घंटे में फोन उठता है या आधी बेल में फोन उठता है और तुरंत उस काम को करते हैं। ये सरकार नहीं है नर है आप तमाम जानते हैं जीतने के बाद भी वो लोग जिनका दायित्व था जिनकी जिम्मेदारी जो सब नदारद थी ये सिर्फ गरौठा विधानसभा की हालत नहीं ये पूरे उत्तर प्रदेश में हालत है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जीत गए बन गए बहक में लोग तमाम धर्म के नाम पर ठेकेदारी चला करके ऐसे ऐसे लोग विधायक बन गए जिन्हें सरकार में काम करने का मौका था लोगों की मदद करने का मौका था आज वो सब नाराज हैं। किसी गरीब बेटी की शादी के लिए अगर उनको हाथ बढ़ाना चाहिए तो सब पीछे हैं लेकिन विधायक जी हमारे वाकई में बहुत दिलेर आदमी हैं। सरकार रहे ना रहे चुनाव जीतने से और विधायक बनने से नेता नहीं होता है विधायक अगर वाकई में कोई दिलों में राज कर रहा है वो श्री दीप नारायण सिंह यादव जी हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी वार्ता नहीं करूंगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मंच पर बैठे हुए हमारे जो कलाकार आए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मौत और गरौठा की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरह इनका साथ देते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हां। मैं सादर आमंत्रित करता हूं मौत को पुण्य तीर्थ में तब्दील करने वाले 1001 बहनों के भाई, मौत का मान सम्मान बढ़ाने वाले माननीय विधायक जी को आशीर्वाद देने की कृपा करें माननीय विधायक जी।